हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक मंजिल। तो दोस्तों, लावा ने अपने ब्रांड न्यू ईयरबड्स जिनका नाम है लावा प्रो बड्स 2 मार्केट में अनाउंस कर दिए हैं। और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं क्या इस बार भी लावा प्रो बड्स 1 की तरह ये ईयरबड्स मार्केट में 1 रुपए के प्राइस पे लॉन्च होने वाले हैं या नहीं। और दोस्तों ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन ईयरबड्स को अराउंड 44% डिस्काउंट पे खरीद सकते हैं विद प्रूफ। और दोस्तों इस वीडियो के एंड तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस ईयरबड्स से रिलेटेड कि आपको इन ईयरबड्स को लेना चाहिए या नहीं और क्या इससे बेटर कोई ईयरबड्स इस प्राइस पे अवेलेबल है या नहीं मार्केट में। सारे डाउट्स आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और इस बजट के बेस्ट ईयरबड्स के साथ भी मैं इनका कंपैरिजन करने वाला हूं। तो बिल्कुल ऑल इन वन वीडियो होने वाली है दोस्तों। सारे फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस आपको इस वीडियो में इसके बारे में पता चल जाएंगे और सारी डिस्काउंट और लॉन्च ऑफर ट्रिक्स आपको मैं इस वीडियो में बता दूंगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक टेक मंजिल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए और बेल आइकन पे ऑल प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसी लेटेस्ट बजट प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग, रिव्यू और गिव अवे लाते रहते हैं और जितने भी प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च होने वाले होते हैं उनके डील्स और ऑफर्स सबसे पहले यूट्यूब पे पोस्ट कर देते हैं। तो दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं डिस्कस करना चाहूंगा इन ईयरबड्स के अमेजिंग फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस जो कि काफी अच्छे हैं दोस्तों इसके एग्रेसिव प्राइस के हिसाब से। तो दोस्तों अगर बात करूं सबसे पहले मेन बात एक ईयरबड को लेने से पहले जो कि है उसकी साउंड क्वालिटी, तो उसके लिए दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि इसमें आपको कितने एमएम के ड्राइवर्स मिल जाते हैं। क्योंकि दोस्तों आप जानते ही होंगे हमने अपने ईयरफोन्स, हेडफोन्स या ईयरबड्स बाइंग गाइड में बताया हुआ आपको कि ईयरबड्स को लेने से पहले ड्राइवर साइज कितना इंपॉर्टेंस रखता है और उससे उसकी साउंड क्वालिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन ईयरबड्स में आपको 14mm तक का ड्राइवर साइज मिल जाता है जो कि काफी अमेजिंग ड्राइवर साइज है दोस्तों। इसके बजट के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट ड्राइवर साइज आपको मिल रहा है, जिससे दोस्तों ऑटोमेटिकली ये प्रूफ हो जाता है कि इसमें आपको काफी अमेजिंग बेस मिलने वाला है और आपको अमेजिंग बीट्स और ट्रेबल्स भी सुनाई देने वाले हैं। तो दोस्तों साउंड क्वालिटी में तो नो डाउट लावा प्रो बड्स 2 ने काफी ज्यादा इंप्रेस किया है, क्योंकि दोस्तों इसका प्राइस इतना एग्रेसिव है कि इस प्राइस पे 14mm के ड्राइवर्स शायद ही कोई ईयरबड्स आपको दे रहे होंगे मार्केट में। और दोस्तों अगर बात करें नेक्स्ट चीज की जो कि है दोस्तों इसकी बैटरी लाइफ, तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि इन ईयरबड्स में आपको अराउंड 23 आवर्स तक की बैटरी लाइफ मिल जाती है जो कि दोस्तों बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन इसके एग्रेसिव प्राइस के हिसाब से काफी ज्यादा जस्टिफाइड है। और दोस्तों अगर बात करें इनके ईयरबड्स की इंडिविजुअल बैटरी के बारे में, तो दोस्तों 5 आवर्स तक का आपको प्लेबैक टाइम मिल जाएगा इंडिविजुअल ईयरबड्स के में। और दोस्तों अगर बात करें केस की बैटरी लाइफ के बारे में, तो आपको 18 आवर्स तक का प्लेबैक टाइम मिल जाएगा अगर आप केस को साथ में कैरी करते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल इन ईयरबड्स की बैटरी लाइफ अराउंड 23 आवर्स तक की अगर आप केस के साथ ईयरबड्स कैरी करते हैं, जो कि काफी ऑब्वियस है। और दोस्तों अगर मैं इंडिविजुअल बैटरी कैपेसिटी की बात करूं, तो आपको ईयरबड्स की बैटरी कैपेसिटी मिल जाती है 43mAh तक की और ईयरबड्स के केस की बैटरी कैपेसिटी मिल जाती है 370mAh तक की। तो दोस्तों बैटरी लाइफ ने भी मुझे काफी ज्यादा इंप्रेस किया इस प्राइस में। और दोस्तों साउंड क्वालिटी जो कि मेन बात है ईयरबड्स की, वो भी काफी ज्यादा अमेजिंग है। और दोस्तों अगर बात करें इसके डिजाइन की, तो डिजाइन इसका काफी ज्यादा सिंपल और बेसिक है। जैसा आप जानते होंगे दोस्तों ज्यादातर ईयरबड्स बटन डिजाइन में आते हैं, रियलमी के बड्स Q2 की तरह बिल्कुल सिमिलर डिजाइन है दोस्तों इसका, और काफी लाइट वेट और कंफर्टेबल फिट आपको देने वाले हैं जैसा कि दोस्तों लावा का क्लेम है। और दोस्तों मेरे हिसाब से ये लावा के ईयरबड्स है, तो आपको बिल्ड क्वालिटी तो काफी ज्यादा डिसेंट और अमेजिंग मिल जाएगी। और दोस्तों अगर बात करें वाटर रेजिस्टेंस की, तो इन ईयरबड्स में आपको IPX5 का वाटर रेजिस्टेंस मिल जाता है जो कि दोस्तों आपके ईयरबड्स को कंप्लीटली वाटर प्रूफ तो नहीं बनाता, लेकिन दोस्तों जो फिजिकल एक्टिविटीज करते हुए आपको पसीना आता है तो उससे आपके ईयरबड्स को कोई डैमेज नहीं होगा, क्योंकि ईयरबड्स स्वेट रेजिस्टेंस है और साथ ही साथ स्प्लैश रेजिस्टेंट है। तो दोस्तों इस मामले में वाटर रेजिस्टेंस भी काफी डिसेंट है इसके एग्रेसिव प्राइस के हिसाब से, जो मैं वीडियो के एंड में आपको बताने वाला हूं। और दोस्तों अगर बात करें इसकी कनेक्टिविटी की, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें आपको ब्लूटूथ वर्जन मिल जाता है 5.0 जो कि बहुत अमेजिंग तो नहीं है लेकिन इस बजट के हिसाब से काफी सही है। और दोस्तों एडिशनल चीज की बात करूं, तो लावा ने इस बार आपको इंस्टेंट वेक एंड पेयर टेक्नोलॉजी भी आपको इस ईयरबड में दी है, यानी कि दोस्तों जैसे ही आप इसका केस खोलते हैं आपका फोन अगर पहले से इन ईयरबड्स के साथ एक बार कनेक्ट हो चुका है तो डायरेक्टली आपके ईयरबड्स आपके फोन के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये टेक्नोलॉजी दोस्तों आपके यूजर एक्सपीरियंस को काफी ज्यादा कंफर्टेबल कर देते हैं और आप इजीली अपने ईयरबड्स को कनेक्ट कर सकते हैं अपने डिवाइस यानी कि फोन के साथ। और दोस्तों सबसे अमेजिंग बात अगर बात करें टच कंट्रोल्स की, तो इन ईयरबड्स में आपको सारे टच कंट्रोल्स मिल रहे हैं, चाहे वो इंट्यूटिव जेस्चर कंट्रोल हो यानी कि दोस्तों नेक्स्ट ट्रैक नेक्स्ट वीडियो या फिर प्रीवियस ट्रैक प्रीवियस वीडियो, प्ले पॉज, सारी चीजों को आप कंट्रोल कर पाएंगे इन टच कंट्रोल्स के थ्रू। और एक एडिशनल बेनिफिट जो कि हर ईयरबड्स में नेसेसरी है दोस्तों, वो है इसकी वॉइस असिस्टेंट कंपैटिबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, आप वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट कर सकते हैं टच कंट्रोल्स के थ्रू और डायरेक्टली आप अपने गूगल असिस्टेंट और सीरी को एक्सेस कर सकते हैं और उनसे काफी सारे काम करवा सकते हैं। तो दोस्तों वॉइस असिस्टेंट तो आज के टाइम पे एक मस्ट हैव फीचर है और वो होना ही चाहिए। और दोस्तों अगर बात करें चार्जिंग पोर्ट की, तो चार्जिंग पोर्ट के बारे में लावा ने अभी तक मेंशन नहीं किया है और जैसे इसके बारे में कंफर्मेशन हो जाती है मैं आपको अपने चैनल पर अपडेट कर दूंगा, तो जरूर
को सब्सक्राइब करके रखिए। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं इन ईयरबड्स की अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो बनाऊं तो जरूर नीचे कमेंट्स करिए और इस वीडियो पे 500 से ज्यादा लाइक्स कर दीजिए। जैसे ही ये लाइक टारगेट अचीव होता है दोस्तों मैं सबसे पहले यूट्यूब पे इन ईयरबड्स की अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो ले आऊंगा। और दोस्तों अब आ जाते हैं मेन बात पे कि इन ईयरबड्स का क्या प्राइस ऑफर होने वाला है और किस दिन ये लॉन्च होने वाला है और कहां आप इसको बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो है इसकी दोस्तों लॉन्च डेट। तो दोस्तों अगर बात करें लॉन्च डेट की तो ये ईयरबड्स यानी कि लावा प्रो बड्स 2 लॉन्च होने वाले हैं 26 अगस्त को फ्लिपकार्ट पे। जी हाँ दोस्तों 26 अगस्त को आप फ्लिपकार्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इनको बाय कर सकते हैं। अराउंड 12 PM पे इसकी सेल लाइव हो जाएगी और आप इजीली इनको बाय कर पाएंगे और दोस्तों लावा की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप इनको खरीद सकते हैं जाके। और दोस्तों अब आ जाते हैं मेन बात पे कि किस प्राइस पे लॉन्च हो रहा है। तो दोस्तों अगर बात करें लावा प्रो बड्स 2 के ऑफिशियल प्राइस के बारे में तो ये ईयरबड्स लॉन्च हो रहे हैं अराउंड 2499 रुपीस पे। लेकिन दोस्तों ये प्राइस सुन के आप बिल्कुल इस वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा क्योंकि मैं आपको एक स्पेशल ऑफर बताने वाला हूं जिसकी वजह से मैंने आज ये वीडियो स्पेशली लॉन्च से पहले बनाई है। क्योंकि दोस्तों ज्यादातर यूट्यूबर्स आपको लॉन्च के बाद वीडियो बना के देते हैं और उस टाइम तक प्रोडक्ट सेल आउट हो चुका होता है और आप लॉन्च ऑफर का मजा नहीं ले पाते। और लॉन्च ऑफर दोस्तों आज के टाइम पे जितने भी प्रोडक्ट लॉन्चेस होते हैं उनमें काफी अमेजिंग प्राइस ऑफरिंग मिलती है आपको, जैसे कि इस प्रोडक्ट में मिलने वाली है मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आज के टाइम पे लॉन्च ऑफर में आपको बेस्ट प्राइस देते हैं और आगे जाके उनका प्राइस बढ़ जाता है। तो अगर बात करें इसकी लॉन्च ऑफर की दोस्तों तो स्पेशल लॉन्च ऑफर है अराउंड 44% डिस्काउंट का जिसपे दोस्तों आप इन ईयरबड्स को खरीद सकते हैं अराउंड 1399 रुपीज में। जी हाँ दोस्तों 2500 के ईयरबड्स आपको 1400 रुपए में मिल रहे हैं और इतने सारे अमेजिंग फीचर्स के साथ। और सबसे अमेजिंग फीचर जो कि दोस्तों साउंड क्वालिटी होती है उसमें आपको दोस्तों कोई कमी नहीं मिलने वाली क्योंकि इसमें आपको 14 mm के ड्राइवर्स मिलने वाले हैं। और अगर आप इस वीडियो पे 500 से ज्यादा लाइक्स कर देंगे तो मैं अपना पर्सनल साउंड एक्सपीरियंस का रिव्यू भी देके बताऊंगा इन ईयरबड्स को यूज करके। तो दोस्तों जरूर इस वीडियो को लाइक करिए। और अगर दोस्तों मेन बात पे कि ये ईयरबड्स की पहली सेल में क्या आपको ये ईयरबड्स 1 रुपए में मिलेंगे लावा प्रो बड्स की तरह, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा कोई ऑफर इस बार लावा ने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है जैसे कि लास्ट टाइम किया था। और मैंने आपको यूट्यूब पे सबसे पहले इस ऑफर के बारे में बताया था लावा प्रो बड्स 1 की सेल 1 रुपए में होने वाली है और उस वीडियो से दोस्तों काफी सब्सक्राइबर्स का फायदा हुआ था। ऑल्दो मैं खुद उन ईयरबड्स को 1 रुपए के प्राइस पे नहीं खरीद पाया था लेकिन मैंने कई सब्सक्राइबर्स का फायदा किया था और पोल भी रन कराया था जिसमें कई लोगों ने यह कहा था कि उनको 1 रुपए में ये ईयरबड्स मिल गए थे। तो दोस्तों ऐसे अमेजिंग डील्स और ऑफर्स के लिए जरूर टेक मंजिल को सब्सक्राइब करिए। हम काफी अमेजिंग कंटेंट आपके लिए स्पेशली लॉन्च से पहले भी लाते हैं और लॉन्च के बाद भी उसकी अनबॉक्सिंग रिव्यू वीडियोस अपलोड कर देते हैं अपने चैनल पे। तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या डाउट है। हम विद इन 24 आवर्स आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर देते हैं। थैंक यू दोस्तों।